फ्रेंड्स, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइंड सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चॉम्स्की हायरार्की एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज इन अ सिंगल वीडियो आई विल बी कवरिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके अपकमिंग 15 से जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सी चॉम्स्की हायरार्की। अब ये जो हायरार्की है, ये हायरार्की ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, बिकॉज जो मैंने 10 डेज का आपको मास्टर प्लान दिया था उसके अकॉर्डिंग टुडे इज द 10th डे एंड द लास्ट डे, तो हो सकता है आपने ये हायरार्की पढ़ा था। बट इस वीडियो को पूरा इसलिए मैंने बोला है देखने के लिए, बिकॉज इन सिंगल वीडियो में बहुत सारे पॉइंट कवर अप करने वाली हूँ। तो आपको इस डायग्राम को देखने के बावजूद भी कई सारे ऐसे लर्नर्स है जिनको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स व्हाई आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए। सी फर्स्ट इज दिस चॉम्स्की हायरार्की। अब चॉम्स्की हायरार्की पे एवरी टाइम एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही, और क्वेश्चन सिर्फ वो इस डायग्राम पे पूछते हैं। तो हमें क्या समझना है, जो आपका सबसे अंदर का है उसको हम रेगुलर ग्रामर बोलेंगे, देन आपका डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, देन आपका कंटेक्स्ट फ्री, देन सीएसएल रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इनरेबल। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद करना है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप बहुत सारे डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे डीसीएफएल नहीं है। मैंने यहाँ पे डीसीएफएल को इसलिए हाईलाइट किया है सो दैट कि इन द कमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनडिसाइडेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसका पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, इस डायग्राम का मतलब ही है कि आपको पोजीशन को याद करना बहुत ही जरूरत है। रेगुलर, डीसीएफएल, सीएफएल, सीएसएल, रिकर्सिव। अब सेकेंड पॉइंट आपको इस डायग्राम में स्टार मार्क करके ये याद करना है, इस दोनों के नेम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव एंड इसको हम क्या बोलेंगे, रिकर्सिव इनरेबल, जिसको हम आर ई से डिनोट करते हैं और इसको रिकर्सिव बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो भी है उसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार, इट मीन्स कि उसके ऊपर क्या है ये अभी तक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, वो हमें नहीं मालूम। हमें अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इस सर्किल को ही याद रखना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट कि आपको हायरार्की याद करना है। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इसका क्या है। सेकेंड थिंग इज आपको ये याद करना है, इसमें जो आपका रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर को हम बोलते हैं टाइप थ्री। टाइप थ्री बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि टाइप थ्री यहाँ पे है, टाइप टू, टाइप वन, जीरो। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर जाओगे। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए या फिर आप इसको इस तरीके से याद करिए। तो बेस्ट तरीका ये है कि बिकॉज हम एवरी टाइम रेगुलर से याद करते हैं किसी भी चीज को, तो आप इसको हमेशा याद करिए टाइप थ्री, और सिर्फ इसको याद करिए टाइप थ्री। क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये एक बार बैठ गया कि रेगुलर इज टाइप थ्री, तो उसके बाद ऑब्वियसली अगर हमें ये प्रॉपर्टी याद है तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2019 में आपका जो क्वेश्चन आया था वो इसके सबसे हायरार्की पे आया था। उन्होंने आपको ये दिया था, टाइप थ्री रिप्रेजेंट रेगुलर, टाइप टू रिप्रेजेंट सीएफएल, टाइप जीरो रिप्रेजेंट रिकर्सिव एंड टाइप वन रिप्रेजेंट रिकर्सिव इनरेबल। इस टाइप का क्वेश्चन था और सिंपली आपको वो प्रॉपर्टी को हायरार्की में बैठाना था। तो किस तरीके से बैठाएंगे वो हम अभी नेक्स्ट में आपको बताऊंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको ये याद करना है, जो रेगुलर लैंग्वेज होता है या रेगुलर ग्रामर होता है उसको कौन सा मशीन पास करेगा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। और आपको यही नाम याद करना है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। आप इसको डीएफए भी बोल सकते हो, आप इसको एनएफए भी बोल सकते हो, बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। अब मैंने स्पेसिफिकली आपको डीएफए एनएफए क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि बहुत सारा जो डिसाइडेबल प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको एनएफए डीएफए नहीं पूछते हैं वो लोग, वो सिंपली देते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज अ मशीन, वो मशीन कैसा लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, रेगुलर, एंड दैट रेगुलर कैन बी डीएफए एनएफए बोथ। ठीक है, इसके बाद आपका जो सीएफएल है और जो डीसीएफएल है वो किस तरीके के मशीन के थ्रू पास होगा, पुश डाउन ऑटोमेटा। अब जैसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा आया आपके दिमाग में यहाँ पे तुरंत आ जाना चाहिए कि पुश ऑपरेशन किसका पार्ट है, तो स्टैक का पार्ट है। ठीक है, देन इसमें आपका दो आ जाएगा, डेट डीसीएफएल एंड सीएफएल। ओके, देन आपका एलबीए, एलबीए किसको पास करेगा, कंटेक्स्ट सेंसिटिव को, एंड देन ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन में आपका रिकर्सिव इनरेबल प्लस रिकर्सिव ये दोनों लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन पास करेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ अब आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर का उठा के, उन्होंने क्वेश्चन सिंपली पावरफुल पे पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको ये सेकंड बताती हूँ, लेट्स कम हियर, और यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, बिकॉज किसी ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको समझा है,
क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चंस पहले आपके आएंगे हायरार्की पे। तो हायरार्की में आपको सेट, सबसेट और सुपर सबसेट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एज वी नो कि ये हमारा एक स्मॉल सबसेट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा सबसेट। तो अगर आपको मैंने पूछा कि अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे रेगुलर गिवन है, सीएसएल गिवन है, और किसी तरीके से अगर आपको ऑप्शन में पूछेगा कि वो सीएसएल होगा या रेगुलर होगा, तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर का पार्ट है, अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर का पार्ट है तो वो आपके सीएसएल का भी पार्ट होगा बाय सेट थ्योरी, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया कि क्या कोई सीएसएल है, सपोज कोई लैंग्वेज यहाँ पे है, तो क्या वो रेगुलर का पार्ट है? नो। तो इससे हमें क्या समझ में आया डियर फ्रेंड्स, कि जो रेगुलर है वो सबसेट है किसका, सीएसएल का। जो रेगुलर है वो सबसेट है किसका, सीएफएल का। जो रेगुलर है वो सबसेट है किसका, ट्यूरिंग मशीन का। हेंस वी कैन से जो आपका ट्यूरिंग मशीन है वो सबसे क्या है, पावरफुल मशीन है। क्यों? क्योंकि हमने अभी उस हायरार्की से देखा कि ट्यूरिंग मशीन सबसे ऊपर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर इट मींस अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि विच इज अ पावरफुल मशीन, तो यू कैन से ट्यूरिंग मशीन। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप ब्रॉड है, ठीक है। जिसका एरिया जितना बड़ा होगा, जिसका एरिया जितना बड़ा होगा वो कितना होगा, वो पावरफुल होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। और ये हायरार्की, तो हायरार्की को आपको रोट लर्न नहीं करना है, समझना है कि जो छोटा सा है उसके रिस्ट्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन थर्ड पूछूं कि विच आपको सीएफएल गिवन है, रेगुलर गिवन है, सीएसएल गिवन है, टूरिंग मशीन गिवन है, पूछेगा रिस्ट्रिक्शन किस पे ज्यादा है या कौन सा सबसे स्ट्रांगेस्ट है, तो रिस्ट्रिक्शन तो आप एक बार को बता दोगे कि रिस्ट्रिक्शन रेगुलर पे सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रेगुलर हमारा सबसे छोटा सा पार्ट है, तो जो सबसे छोटा है उसकी रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा। ऑब्वियस ये बात है, आपके घर में अगर सॉरी 10 मेंबर है तो 10 मेंबर में जो सबसे छोटा सा बच्चा होगा उसके ऊपर बंदिशें ज्यादा होती है, ऐसा समझिए। तो सिमिलरली जो रेगुलर सबसे छोटा है उसपे रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज होता है पावरफुल और स्ट्रांगेस्ट, तो मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पावरफुल मतलब कि जैसे फैमिली में आपके जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे पावरफुल होंगे, करेक्ट, और जो सबसे छोटा होगा वो उस पर रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन रेगुलर हो गया। स्ट्रांगेस्ट किसको बोलोगे? स्ट्रांगेस्ट भी आप रेगुलर को ही बोलेंगे। क्यों आप स्ट्रांगेस्ट रेगुलर को बोलेंगे? क्यों? क्योंकि स्ट्रांगेस्ट मीन्स कि इसका लिमिटेशन सबसे ज्यादा, ये सिर्फ उसको ही पार्स करेगा जो उसके लिए ही बना है। जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि किस तरीके के आपके ग्रामर्स होते हैं जो रेगुलर मशीन पार्स करते हैं। टिल नाउ आप इतना समझिए, इसको ऑब्लिक में करके लिखिए कि जो रेगुलर लैंग्वेज है वो मोर रिस्ट्रिक्टेड भी होता है और वो मोर स्ट्रांगेस्ट भी होता है, बट आपका ट्यूरिंग मशीन पावरफुल होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया है, ये सारे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ही इस वीडियो को बनाया है। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विल कम, इक्विवेलेंट पावर, ठीक है। आपको कई सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा जिस तरीके से ये पूछेंगे आपको, क्या डीएफए एनएफए का पावर सेम है? क्या पीडीए में आपको पता है कि आपका डीपीडीए मतलब डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटो होता है और नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटिक होता है? सिमिलरली आपको क्वेश्चन पूछेगा डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो ऐसा समझना है हमें कि कोई भी एक आपका जो भी ऑटोमेटा है, जो भी मशीन है, उस मशीन के दो पार्ट है, डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो इक्विवेलेंट पावर किसका है? आप देखोगे जो सब लोग ये बताते हैं इसका इक्वल है, इसका अनइक्वल, इसका इक्वल, इसका अनइक्वल, नहीं, इतना याद ही नहीं करना है आपको। एक सिंपल सा याद करना है, हमने पढ़ा है पीडीए, ठीक है, पीडीए हमने क्या पढ़ा है, पीडीए, पीडीए कौन सा मशीन को पास करेगा आपके सीएफएल को, ठीक है, और इसमें आ जाएगा नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए, ओके। तो आपको इक्विवेलेंट पावर में सिर्फ इतना याद करना है, जो आपका सीएफएल है, सीएफएल जिसको पीडीए पास करता है, इसका ही पावर बस इक्विवेलेंट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको इक्विवेलेंट पावर किसका है वो नहीं याद करना है, किसका नहीं है आप उसको याद कर लीजिए, सिर्फ इसका नहीं है, बाकी सबका क्या हो जाएगा, फिर सबका पावर फिर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इट मीन्स कि हमने ये समझ लिया, जो आपका रेगुलर है, जो आपका सीएसएल है और जो आपका ट्यूरिंग मशीन है, हर एक का आइदर वो डिटरमिनिस्टिक हो या नॉन डिटरमिनिस्टिक हो, उसका पावर इक्वल होगा, बस जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है उसका पावर डिफरेंट होगा। आई होप ये पॉइंट अब आपको, आप कंफ्यूज नहीं होगा और क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रिविश नॉर्मल फॉर्म लिखा है। ये क्यों लिखा है, इस पे आप देखो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछा, बट ये इसलिए रखा है क्योंकि ये इससे रिलेटेड ही है। चॉम्स्की हायरार्की में हमें ये समझना है डियर फ्रेंड्स
कि इसके हालांकि में आपको ये दो चीजें याद रखनी है। ये क्या रखनी कि अगर कोई आपके पास ग्रामर गिवन है तो वो या तो सिंगल टर्मिनल सिंबल लेगा, टर्मिनल मीन्स स्मॉल लेटर्स, आइदर वो फिर आपके वेरिएबल्स लेगा और सिर्फ दो वेरिएबल ही लेगा। दिस इज अ रूल फॉर चम्स की हायरार्की। तो एक बार उन्होंने डिफरेंस में पूछा था, उन्होंने आपको सेट ऑफ ग्रामर्स गिवन थे और उन्होंने ये पूछा था विच इज द पार्ट ऑफ चम्स की नॉर्मल फॉर्म और विच इज द पार्ट ऑफ ग्रिबिच नॉर्मल फॉर्म। तो आपको इसका ये रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख लिया, अब आपको इसको कैसे याद रखना है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि a टेंस टू ए एक्स, तो यहाँ पे x क्या है, x बिलोंग्स टू वेरिएबल स्टार। वेरिएबल स्टार मीन्स व्हाट, जो आपका a a b c d जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसको वो बिलोंग करेगा। इट मीन्स कि अगर मैंने आपको ये तीन दे दिया और पूछा ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या ग्रिबिच नॉर्मल फॉर्म में, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे a। अब यहाँ पे बताइए एक्स की वैल्यूज में यहाँ पे आप सेवन डाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि स्टार है। तो अगर मैं आप सेवन डालूंगी तो यहाँ पे आपका ग्रामर क्या हो जाएगा, ए स्टार। देन ये क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक डाला, मैंने यहाँ पे दो डाला। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रिबिच नॉर्मल फॉर्म। अब मैंने अगर ये पूछा कि इसमें आप मुझे बताओ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कौन कौन सा है, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कौन सा है, सिंगल टर्मिनल अलाउड होगा। तो इसमें सिंगल टर्मिनल है, यस, तो ये हो जाएगा। इसमें आपका और क्या हो सकता है, या तो सिंगल टर्मिनल नहीं तो दो वेरिएबल। इट मीन्स कि आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एक ही वीडियो में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या है और इस टाइप के आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है ना। इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, कई बार ये स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल और रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे आपने क्वेश्चन देखा होगा इस तरीके का, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू, व्हाट इज दिस। ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स व्हाट, हमारा रेगुलर लैंग्वेज। तो रेगुलर लैंग्वेज मतलब ये हमारा ये मशीन है। तो अगर इसको मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बोला, इसमें अगर आप एक स्टैक जोड़ दो, ये इसका मतलब हो गया स्टैक। तो एक स्टैक जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, पीडीए। अगर इसमें मैं दो फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर मैं दो जोड़ दूंगी तो क्या मिलेगा, एलबीए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या फाइनाइट ऑटोमेटा का पावर क्या एफ ए प्लस वन के पावर के इक्विवेलेंट होगा, या क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या एफ ए प्लस वन इक्वल्स टू एफ ए प्लस टू होगा, या आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में क्या एफ ए प्लस टू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू एफ ए प्लस फोर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप क्या आंसर लगाओगे। तो हमने ये बोला कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेगुलर, ये आपका फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होगा, सीएफएल। तो क्या रेगुलर और सीएफएल इक्वल है, नहीं है। फिर ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सीएफएल एंड दिस इज सीएसएल। तो क्या सीएसएल और सीएफएल इक्वल है, नहीं है। अब आपसे ये पूछेगा कि क्या ये सबसे मोस्ट पावरफुल है, तो यस है। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो फाइनाइट स्टेट प्लस टू करेंगे तो वो हमारा आपका ट्यूरिंग मशीन बनेगा। तो ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट पावरफुल होगा। तो दिस इज द वे कि कई तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने अगर आपके सब्जेक्ट की बात करूं, जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी तीन चार वीडियो पहले पब्लिश की, तो आप उसको देख के सिंपल सा समझिए कि टर्मिनल क्या है, सिंबल्स क्या है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपने टीओसी नहीं पढ़ा है तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, जो मैंने आज ये उठाया है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, इससे आप ऑलरेडी दो क्वेश्चंस तो मिनिमम एक्सपेक्ट करोगे एग्जामिनेशन में। तो अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और इस वीडियो का जो भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। और आप वीडियो को पॉज करिए, दोबारा वीडियो को देखिए और अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, बिकॉज एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा सा बनाऊं। एंड लेट मी टेल यू, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेप्टेम्बर के एग्जामिनेशन के लिए। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।